लिखकर खाता है जी? लिखकर खाता है? हाँ। दारू खाता है? नहीं तो? खाना नहीं, अखबार पढ़ता है? अखबार? हाँ पढ़ता है। हाँ तो जॉन सत्ता मंगाना, हम टाइम साहब इंडिया मंगाता है, दोनों एक्सचेंज करेगा। हाँ वो तो हो जाएगा। अच्छा सुभाष बाबू को जानता है? सुभाष बाबू? नहीं तो? सुभाष चंद्र बोस। हाँ जी हाँ जी। आपने पूजा कर ली? हाँ। चलो मैं खाना देती हूँ। अच्छा आया तो हम लोग परसों आ जाए। अरे आपका घर है, कभी भी आइए। उधर लेके जाओ। आप टूटके नीचे क्यों नहीं रखते थे? तू खाने का टेंशन मत लेना, मैं का भाई साहब को पेपर देता। हाँ, पान नहीं? नहीं जी पान तो नहीं। कैसा लग रहा है नए पुराने घर में? अच्छा लग रहा है। कितना बड़ा है ना? बहुत बड़ा है। तू डर तो नहीं जाएगी अकेली? अकेली कहाँ हूँ, वो शोभा है ना, वैसे उन्हें क्या कह के बुलाऊं? क्या कह के बुलाऊं उन्हें? उम्र में तो वो मुझसे बड़ी है ना, अब शोभा शोभा कह के चिल्लाऊंगी क्या? किसे? वो शोभा जी को। हाँ? बोल दे वो दीदी, बोल दे दीदी, शोभा दीदी। वैसे दीदी जैसी दिखती नहीं है वो। शोभा जी कौन? शोभा जी कौन सी मिनिस्टर हो रही है? भाभी बोल। हाँ भाभी, भाभी आपके पास अदरक है? सुन, इस साल कुछ होना चाहिए। क्या? तेरे को मेरे को बच्चा होना चाहिए। छी, देख दुकान तो अपनी ठीक है, मकान भी बिल्कुल दुकान के नजदीक हो गया है, क्या सब मुझे पता है, सब ठीक होगा। देखो तुम्हें बच्चा चाहिए तो किसी और से शादी कर लो। अच्छा, मैं तो ऐसे ही रहूंगी। अच्छा कौन है? कौन है? कौन है? हाँ जी कौन है? आपने पीछे का दरवाजा खुला छोड़ दिया। खुला रह गया? हाँ उसको हमेशा बंद कीजिएगा। ओ माफ कीजिएगा, कोई भी अंदर आ सकता है ना। हाँ जी हाँ। सो रहे थे? नहीं तो? फिर सो गई? नर बहादुर भंडारी पर आरोप लगाया है कि उनकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ सांठगांठ है। दूसरी ओर नर बहादुर भंडारी ने पवन चामलिंग को चुनौती दी है कि वे अपने आरोप के लिए सबूत पेश। पूरा घर नीला हो गया, पर आपने ये पेन नहीं बदला, 20 साल पुराना है ना? 1967। चलो काम करने को जैसे मत करो। खाएंगे क्या? आलू पराठा। नमस्कार जी, मैंने कहा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आइए अखबार लाएं। हाँ जी। अच्छा मेरा अखबार जरा देर से मिलेगा चलेगा? नहीं कोई नहीं जी, मैंने एक पढ़ लिया, एक ही तो खबर होती है सब में। कोई एजुकेशन क्या? हाँ जी एजुकेशन। एजुकेशन BCOM होगी, क्यों क्या होगा? चाय पियेंगे? हाँ हाँ पियेंगे, तुम जाओ आप बैठिए। आइए
पूर्वोत्तर राज्यों में आईएसआई के सक्रिय होने की खबरें चर्चा में रही हैं और कुछ दिनों पहले नई जलपाईगुड़ी वो क्या है कि हर पेपर में नया नया न्यूज होता है, मैसेज होता है, कोड मैसेज होता है। कोड मैसेज नहीं पता ना मुझे, मिलता है मैसेज मिलता है, कौन देता है? एजेंसी है तो क्या है, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। कब? कभी भी चला जाऊँगा। तो बाबू जी भी जा रही है? नहीं नहीं, इंक्वायरी में उसका क्या काम है, मैं अकेले जा रहा हूँ। तो क्या है कि इंक्वायरी है ना, इसलिए। कई की इंक्वायरी? सुभाष बाबू, लोगों को पता नहीं कि वो जिंदा हैं कि, तो मैंने रिसर्च की है, तो इंक्वायरी होती है, जाना पड़ता है। ज़रा पीकर देखिए इसमें चीनी ठीक है कि नहीं। ठीक है, ठीक, जा तुम जा। ऐसी कौन सी बातें कर रहे हैं? अच्छा वो वाली, क्योंकि जाने की बात कर रहे हैं। कैसे जाएंगे, पैर तो टूटा पड़ा है। तुम्हें क्या, शी इज ओनली 12th पास, वो भी म्यूजिक और होम साइंस में। आप तो किसी तरह अखबार पढ़ लेते हैं, ये तो फोटो भी उलट कर नहीं देखती। अच्छा अच्छा ठीक है, खाएंगे क्या? दही माछ। सुनिए, किसी से कुछ कहिएगा नहीं? किस बारे में? अच्छा अच्छा हाँ, नहीं जी। सुनिए अजी, इनकी बातें आपको अजीब लगी होंगी, हंसी भी आई होगी। नहीं नहीं, सुभाष चंद्र बोस पर इनका कुछ ज्यादा ही विश्वास है। क्या पता इनकी बात सच हो, शायद वो जिंदा हो। नहीं हाँ, हमने तो आपको आपके पहले दिन ही देरी करा दी। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है बिल्कुल। अच्छा जी, अरे भाभी आप आइए, मैं चाय बना देती हूँ। नहीं नहीं बनाओ मत। कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? 6 साल हो जाएंगे। 6 साल? बच्चे नहीं हुए क्यों? बस ऐसे ही। अरे हमारे भी बच्चे नहीं हुए, मुझसे नहीं होता, क्या कर सकते हैं। नहीं 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 भाभी, हमारा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब इनकी दुकान हो गई है, अच्छा बड़ा घर मिल गया है, ये ना बहुत सोच समझ के चलते हैं। हाँ बहुत समझदार लगते हैं। तुम ऐसा करो, यहाँ एक पंखा लगा लो, मेरे पास एक टेबल फैन है, मैं दे दूंगी। थैंक यू। भाभी आप कब से यहाँ रह रही हैं? मैं तो ब्याह कर यहीं आई थी। अच्छा, 14 साल की थी। और भाई साहब उनकी क्या उम्र थी? ये मेरे दूसरे पति हैं, मेरे पहले पति शादी के 2 साल बाद ही गुजर गए थे। थे ये राजी हो गए, राजा राममोहन राय के भक्त थे ना। अच्छा, घर वालों ने कहा शादी कर लो, हमने शादी कर ली, बच्चे नहीं हुए, हमें कोई दुख नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ जी भाभी। अरे सुनो, हाँ महेश से कहना कि पंखा जरूर ले ले शाम को। ठीक। अच्छा